नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम यहाँ न्यू लाइट सिटी स्कूल में, हमारे साथ आज के मेहमान हैं किशन सिंह। इन्होंने स्पोर्ट्स से, किशन सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला हुआ है और स्पोर्ट्स को लेके इनका नज़रिया क्या है, क्योंकि आज हमारे भारत के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, बॉल हो, हॉकी हो, और आज स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो उन्हें चाहिए, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि गांव-गांव में टैलेंट है, स्कूलों में टैलेंट है, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो आगे चल के नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर सके। इसी कड़ी में साथ किशन सिंह, आपका पब्लिक लाइफ में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मेरा नाम, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान है, मैं उत्तराखंड नानकमत्ता से बिलोंग करता हूँ। और मेरे स्पोर्ट्स का नज़रिया ये है, क्योंकि देखो हम गांव क्षेत्र से हैं, यहाँ स्पोर्ट्स को उतनी महत्व नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी किसी से कम नहीं होता है। और जो गांव के खासकर खिलाड़ी होते हैं, वो अपने क्षेत्र में और अपने राज्य में निकलने के बाद, या वो किसी रीजन से या पैसों के उससे रह जाते हैं, या उनको कोई कोच अच्छा नहीं मिल पाता है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे गाँव के बच्चों के साथ काफ़ी ये चीज़ों को देखने को मिलता है। किशन जी, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होना चाहिए, बच्चों को कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो उनकी पूरी नहीं हो पाती, जिससे स्पोर्ट्स में वो पिछड़ जाते हैं? देखो स्पोर्ट्स में, देखो आज से कुछ साल पहले स्पोर्ट्स के नाम पे तो बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। हर पेरेंट्स का कहना यही था कि बेटा पढ़ो और ये स्पोर्ट्स नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई में फोकस रहता था। लेकिन जब से हमारे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में और ओलंपिक में मेडल निकाला है, तब से स्पोर्ट्स की बड़ी हमारे क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में काफ़ी रुचि है। किशन जी, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में, जो CBSE बोर्ड स्कूल है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। आपके पास ये जो मैं ग्राउंड देख रहा हूँ पीछे, आपके पास तो फिर भी इतना बड़ा ग्राउंड है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ग्राउंड नहीं है और बच्चे वहाँ पे प्ले नहीं कर पाते हैं। और इन वजह से मैंने देखा है कि हल्द्वानी में भी एक स्टेडियम है और सितारगंज एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और बहुत सारे स्कूल भी हैं, लेकिन यहाँ अभी तक स्टेडियम नहीं है, क्या वजह है? देखिए हमारे क्षेत्र में अगर मैं बताऊँ तो हमारे न्यू लाइट स्कूल से ही कम से कम 15 से 16 बच्चे जो नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जिनका ऑल इंडिया में भी जिनका मेडल है, 7 मेडल हमारे ऑल इंडिया में हैं। और ग्रैपलिंग, जिसमें 2022 में ग्रैपलिंग में हल्द्वानी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की गई थी, उसमें हमारे स्कूल के समनप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए स्टेडियम की ज़रूरत है। जैसे अभी आप देखते होंगे रोड में, आज के युवा रोड में रनिंग कर रहे हैं, उनको जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सितारगंज से लेकर नानामता और खटीमा के बीच कहीं भी स्टेडियम नहीं है, मिनी स्टेडियम मैक्सिमम होना चाहिए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कितनी रुचि लेते हैं स्पोर्ट्स में, कितना सपोर्ट करते हैं वो युवाओं को? देखो मैं जितने साल से, मुझे कम से कम 10 साल हो गए स्पोर्ट्स लाइन में, नेता तो आते हैं और जाते हैं, कहते हैं हम करेंगे, लेकिन वही है एंड टाइम में कोई साथ नहीं देता। मैं खुद सिलेक्टेड आपके क्या कहते हैं इसके लिए बीच गेम के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, जिसमें मैं नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट 2 बार का और 2 बार का मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। मैं पैसे के कारण मैं क्या कहते हो इसमें क्या कहते हैं बीच गेम में नहीं जा पाया। और मैं बताना चाहूँगा कि बताते हुए भी बड़ी बड़ी खुशी हो रही है, अभी जो साउथ एशियन जो 24 से 25 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित है, उसमें हमारे जिला उधम सिंह नगर के 2 बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया। उनको भी कई पैसों की तंगी थी, तो उन्होंने जैसे कई लोगों ने उनको सपोर्ट करा और कई लोगों ने आर्थिक मदद भी करी, तो आज वो थाईलैंड में प्रतिभाग कर रहे हैं। और गौरव का पल है कि उत्तराखंड का भी नाम रोशन हो रहा है और इंडिया का भी नाम रोशन हो रहा है। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, अब वो खटेमा से ना विधायक बन के चंपावत से विधायक है और मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने आज तक स्पोर्ट्स के लिए कितना सहयोग किया है प्रदेश के अंदर, और ख़ासकर अगर आप नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र की बात करें और सितारगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो ये दोनों विधानसभा क्षेत्र लगते हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं, और स्पोर्ट्स में कितना सहयोग मिला है आपको इनसे?
देखिए, फिलहाल तो हमें किसी भी विधायक या किसी भी फंड से कोई सहयोग नहीं मिला है। और एक चीज़ ये है, इससे पहले कई मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने स्पोर्ट्स पे इतना बदलाव नहीं करा जितना पुष्कर सिंह धामी ने करा है। क्यों? अभी खेल विद्युत महान योजना उन्होंने जो चलाई थी उसके अंतर्गत कई युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करा और उनको एक स्टेट लेवल पे जिन्होंने प्रतिभाग करा उनको 21,000 का शायद उन्होंने जो भी धनराशि दी है, तो उससे कई युवाओं, कई जो हमारे एथलीट हैं उनको काफ़ी ऊर्जा मिली है उन चीज़ों से। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अभी जूडो है, आपका जूडो गेम है जो खेल महाकुंभ में आता है, क्लस्टर है, कई गेम हैं, लेकिन बट वही है कि हमें, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट ना होने के कारण, कई ग्राउंड ना होने के कारण हमारे कुछ बच्चे हैं जो अभी तक प्रतिभाग नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल किशन जी आपसे, समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो आपसे बहुत सारी बातें करते। आप उत्तराखंड सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय, जो स्पोर्ट्स को लेकर युवाओं के अंदर एक जागरूकता है, युवा चाहता है कि स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ें, और आपने देखा कि ओलंपिक में भी पहले भारत का वो स्थान नहीं था, लेकिन आज हमारा भारत के स्पोर्ट्स में अपना नाम बना सके और भारत का नाम रोशन कर सके, सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को इन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा देश खेलों में भी आगे बढ़े। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ।